यार आंखों में ना जानते हो क्या हो रहा है, आगे जो सूरज। ओके तो शाम का वक्त हो चुका है भाई। चलो तब आगे चलते हैं। तो सीन ऐसा है ना भाई, क्या ही बोल दूं मैं, ये सनसेट देखने के लिए सबसे अच्छी जगह पहाड़ी इलाका होना चाहिए, और बस उसी की तलाश में एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो बहुत अंडररेटेड है। मतलब इतनी खूबसूरत जगह कि मत पूछो, बट लोग वहाँ बहुत कम जाते हैं। जो फैमिली आसपास के लोग हैं वो लोग तो जाते ही जाते हैं, अदरवाइज बहुत कम ही लोग जाते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से लोग वहाँ जाएँ और अपना टाइम स्पेंड करें। वहाँ से जो सनसेट और सनराइज़ दिखता है ना भाई, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत काबिले तारीफ। तो फिलहाल तो मैं अभी रिंग रोड पे हूँ और मैं अभी जस्ट गाड़ी धोया हूँ, अभी इसके टायर भी गर्म नहीं हुई है और इतनी सारी भीड़ है। चलो फिर चलाते हैं। क्या बात है, लीन है ये, लीन पार करते हुए मेरे को बड़ा मजा आता है। अरे यार आंखों में ना जानते हो क्या हो रहा है, आगे जो सूरज। ओ भाई, ओह गॉड, ओहो, आंखों में ग्लेयर आ रहा था भाई, आंखों में ग्लेयर आ रहा था। अरे रे 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 भाई साहब, ओ गॉड भाई, आगे में ये पहना हुआ हूँ ना, इसीलिए मैं वाइजर खोल के हमेशा चलाता हूँ विंड ब्लास्ट के चलते। अरे यार, ओ गॉड, ओ माय गॉड, एकदम डर गया भाई मैं कसम से। अभी ये सड़क पे ना मैक्सिमम एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, रोड अवेयरनेस और क्या बोल दूं मैं, लिटरली बोल रहा हूँ मैं डर गया भाई। अभी अगर ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती ना भाई तो अभी मैं गया था, बहुत बुरा गया था, बहुत गंदा चोट लगता भाई। ये क्या हो गया, अच्छा हवा निकल गई भाई की। यार काफी खत्म चीज हुआ भाई, अभी लिटरली बोल रहा हूँ बहुत दिक्कत। मैं जैसे ये वाइजर बंद किया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें स्मोकी ब्लैक मैंने कवर चगाया हुआ है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि सामने से बहुत जोरों का लाइट आ रहा था, बहुत जोरों का, और मैं लीन कर रहा था और अचानक से भगवान की, मतलब क्या बोल दूं मैं, अचानक से भगवान का, रब का शुक्राना यार कि मेरे को नज़र आया और मैं रोक दिया भाई कसम से। यार मैं डर गया था अभी, यार लिटरली बोल रहा हूँ बहुत डर गया था। चलो ये चीज़ को अब भुला देना ही सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ होगा, बहुत खराब चीज है ये सब। इंडिया रोड सुपर बाइक के लिए नहीं है, इतना तो कह सकता हूँ मैं, कब कौन कहाँ से आ जाए ना भाई, आप लिटरली नो, यू डोंट नो। और वाइजर बंद करके और क्या ही बोलूँ मैं अब यार, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को जल्दी पहुँचना है वापस यार, की तैयारी देख सकते हो आप कितना रौनक है, और विश करता हूँ ये जल्दी से जल्दी ब्लॉग लाऊंगा मैं आप लोग के लिए। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, देख रहे हो क्या बेहतरीन सजाया गया है भाई, मजा आ गया देख करके, और सूरज भी ढलने को चला यार, और बहुत लेट हो जाएगा कसम से मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ। तो आप सभी को फिर से एक बार छठी मैया की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
भाई गजब हो गया भाई। अरे भाई ये देखो जिमी को, मस्त लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो किधर जा रहा है अभी? मिसिर गंदा जा रहा है। तो इधर तो घूमते हुए अच्छा अच्छा लगता है देखकर, कैसा ड्रेस अप ड्रेस अप सारा चीज। पीने खाने वाला, हेलो हेलो हेलो, सब बढ़िया? कैसे हो? बढ़िया, कैसे हो? ठीक है। कैसे हो दादा लोग? सब बढ़िया। जा रहे थोड़ा सा इधर ही आए थे घूमने के लिए, तो देखे इतना मस्त प्रोग्राम चल रहा है तो सोचे कुछ बैठते इधर ही और थोड़ा देर घूम के जाएंगे। हाँ सही बात है, इतना अच्छा पहन करके जा रहा है, सब बहुत अच्छी लग रही हो तुम लोग। आज आज पूजा था ना? ओ भाई किधर चलना है ये बता। अंदर पार्क में जाइएगा, बोलिए। चलो जाने देगा आज? चलो अंदर चुके हैं। यही वो प्लेस है जो अंडर रेटेड है अभी तक, बहुत कम लोग आते हैं वैसे, जिनको पता है वो लोग तो आते ही हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ दूर दूर से भी लोग आए घूमने के लिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है यार ये। और यहाँ से जो सनसेट होता है ना, वो रांची का सबसे खूबसूरत धुरवा कांके डैम, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सनसेट की तो बात ही अलग है। तो देख सकते हो आप, जिमी बैठा हुआ है, दो मॉन्स्टर। मेरा एक बार देख लीजिए क्या चीज। ओ भाई साहब, तो देखो यार रे, बहुत प्यारा लग रहा है ब्रो, बहुत प्यारा, आदिवासी की पहचान मेरी जान, देख रहे हो क्या बेहतरीन लग रहा है ना, क्या बात है। और ये रहा सनसेट, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखो। यही चीज है यहाँ, अगर आप आते हो, अंडर रेटेड है बट इतनी अच्छी जगह है कि मत पूछो आप, मतलब फुल एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ आकर के। तो घूमना फिरना हो गया आप घर की ओर, और ब्लॉग कैसी लगी जरूर बताना। और क्या ही बोलूँ मैं यार, कुछ कुछ होते रहती है घटना, उन सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। चलो बाय।